थाना वृंदावन के अंतर्गत नगला सुरी क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर घर लौटते युवक को बाइक सवारों ने गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को नेहती अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार बाबूगढ़ सकरा के समीप हनुमान गढ़ी निवासी सुरेश का कन्हैया पक्ष के लोगों से पुराना विवाद चला आ रहा है। रविवार की शाम को लगभग 7:30 बजे सुरेश बाजार से घरेलू सामान खरीद कर अपनी बाइक से गांव लौट रहा था कि तभी नगला सुरीर के समीप पोकर के पास पीछे से आए कन्हैया अमीरा प्रकाश और गोपी ने बाइक बराबर में लगाकर सुरेश पर फायर झोंकना शुरू कर दिया, जिसमें एक गोली सुरेश की छाती के पास लगी। गोली लगते ही सुरेश लहूलुहान होकर गिर पड़ा। पीछे से आ रहे चचेरे भाई लक्को ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आरोपी फायर करते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने घायल को नयति अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना पर सीओ सदर राकेश सिंह भी मौके पर पहुंच गए। सीओ सदर राकेश ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला रंजिश को लेकर लग रहा है। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। घटना के संबंध में घायल सुरेश के चचेरे भाई लक्को ने जानकारी दी। सुरेश जी को गोली लगी है, इनकी उम्र 30 वर्ष, ये हनुमानगढ़ी रमण की चौकी वृंदावन थाना अंतर्गत 7:45 पे गोली लगी। सूचना तत्काल पुलिस पहुंची है, नियति हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया आउट ऑफ डेंजर है। सर क्या सर मालूम पड़ा किसने किसने गोली चलाई? नहीं, लोग कन्हैया नाम किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। हमारी टीम पुलिस टीम पहुंच गई है गांव में। शायद पूर्व में इन लोगों की आपसी रंजिश थी, जिसमें पूर्व में इनके खिलाफ उन लोगों ने मुकदमा लिखवाया, इसमें इनकी बेच हो गई थी 31/18 दिन। क्या नाम है तुम्हारा, कौन लगते हैं, क्या कब की घटना है? ये अभी घटना है, करीबन 7:30 बजे पुणे आठ लगा हुई। मैं अपनी बाइक से पीछे चल रहा था, मेरा भाई था, ये था वो लड़का था, ये अगर चल रहा था तो दो मोर्चा में आए थे, चार बंदे थे, दो दो करके आए थे, उन्होंने फायरिंग चालू करी। पहली गोली लगी थी, वो पहली गोली में गिर चुका था। तब तक मैं आ गया, मैंने देखा ये तो मेरा भाई है, तो मैं रोरा मचाया। तो वो दो लेडीज थी इधर साइड में खेत में कुछ कर रही, पता नहीं क्या करी, उन्होंने फायरिंग सुनी तो उन्होंने रोरा मचा दिया, एक गोली चल गई, बचा दो। मैंने पूरा रोरा मचाया, तब कुछ लोग वहाँ पर आ गए, इकट्ठा हुए सारे लोग आ गए। कैसे लेके आए यहाँ तक लेके आए? कुछ बाइक से लेके आए, बाइक से लेके आए। क्या नाम है भाई का? सुरेश। कहाँ करने वाले? हनुमानगढ़ी। तो पुलिस आई है, कोई जानकारी कर रही है? पुलिस वाले लेके आए थे वहाँ से, जेल में से टार लेके आए अपनी जीप में। बताने किसी नामजद से पुराना झगड़ा चल रहा था? कन्हैया है और प्रकाश है, ये थे बाइक पे, और अमीरा गोपी चार लोग थे, दोनों बाइक। देखा था आपने? हाँ मैंने देखा था, मैंने देखा तभी तो रोड़ा मचाया मैंने, ये तो मेरा भाई है, ये तो मार देंगे इसको, तब वो भागे। कुछ तैयार दिए अब तक? अभी तो कुछ नहीं दिया मैंने, जब मुझे पूछा था दरोगा जी ने, बता दिया उनको बस। नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी उर्फ सचिन निवासी अडिंग विधानसभा गोवर्धन जनपद मथुरा, समाजवादी नौजवान सभा, समाजवादी पार्टी प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश। मैं अपने प्रदेश वासियों को, मथुरा जनपद वासियों को और अपने गांव अडिंग वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं।